परमात्मा हूँ। ऐ अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्रनी उपस्थितिना समोसरणमा लाखों करोड़ों देवनी हाजरीमा भगवान ने मारी मारो। तू परमात्मा जो हमने की कर, तू परमात्मा जो हमने की कर। ओ हो हो भगवान पण तुम्ही परमात्मा छो इतलू तो नक्की करवा दियो। ये परमात्मा ने से नक्की करे कर क्यारे थई छे के तू परमात्मा छो एवो अनुभव थई तारे आ परमात्मा हो व्यवहार तने नक्की थई छे नीचे ही नक्की थी आ विना व्यवहार नु नक्की थई छे नहीं। नमो नोए सौ हरिहंतानम नमो नोए सौ सिदानम नमो नोए सौ आहिर्यानम नमो नोए सौ जयानम नमो नोए सौ त्रिकालवती श्रावणम ओंकार मिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिन कामदम औषधम से ओंकाराय नमो नम मंगलम भगवान मंगलम रूपमूर्ति मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मंगलम नमः सुमरिस्ताराय स्वानुभूति भाव त्रिभाषा चलते है पहले तो ये कहा क्या शुद्ध भाव में कहते हैं। शुद्ध भाव का अर्थ शुद्ध उपयोग के शुद्ध करण के नहीं। शुद्ध भाव ये त्रिकाली विनायक भाव सर्वज्ञ स्वभाव ही पूर्ण आग्रह स्वभाव को शुद्ध भाव का नाम आया है। नहीं तो पूर्ण में शुद्ध शुभ राग अशुद्ध राग है अशुद्ध योग है माने शुभ राग अशुभ राग से रही ये शुद्ध योग है। शुद्ध योग ये शुद्ध योग वो क्रिया है। शुद्ध योग कहो तो शुद्ध उपयोग कहो ये तो क्रिया है। तो ये क्रिया है मोक्ष का कारण कहना ये भी व्यवहार है। मोक्ष का कारण सुदृढ़ है। ये उपाधि तत्व के सब का कथन जीवादि सार तत्वों का समूह परिदृढ़। अंबर ने निजरा ने मोक्ष ये भी वही तत्व है। क्रिया है न क्रिया द्रव्य में पैसी नहीं प्रवेश करती नहीं। द्रव्य ऊपर पर्याय गिरती है। तो उपेक्षा से पुण्य पाप को आश्रव बंद को तो वही तत्व कहा। अपना द्रव्य त्रिकाली स्वभाव उसका आश्रय से जो हुआ मोक्ष का मार्ग ये भी लही तत्व है। मोक्ष का मार्ग जो है ये भी लही तत्व है क्योंकि संवर निद्रा में आ गया है। हाँ साठ ने तो ये उपाधि कहा टीकाकार जरिए ऐसा सुन लिया जीवादी साव तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण परद्रव्य होने के कारण बहुत सूक्ष्म भाव भगवान बात में यही है। टीका ने उपाधि ने ऐसा कहा समझ में आया पाठ में जीवादी बही तत्व ही यम है पर अर्थकार टीकाकार कहते हैं
ये पर्याय जो बही तत्व है ये उपाधि नहीं। निमित उपाधि नहीं, दया दान का व्यवहार रत्नोत्तरे का विकल्प उपाधि नहीं, पर मोक्ष का मार्ग के पर्याय भी उपाधि नहीं। उसने परदृव कहा तो घर का नहीं कहा, कि 50 नहीं गाथा में कुंकुंडाचार्य कहा है कि जितनी पर्याय है निर्मलादि वो परदृव प्रभाव हेयम इति, ऐसा 3 शब्द है 50 नहीं गाथा 50 परदृव प्रभाव है। हाँ 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 50 था, अने इसमें समय सार का आधार दिया है, सिद्धांत तो वही आ भाग में सिद्धांत तो है ना, उसके में पदगर है नीचे चौथा 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 पद में पदगर है, ये पदगर ये समय सार का कोश है, तो उसमें भी धन्यवाद बहुत रोग जिसको सर्वज्ञपना आत्मा का स्वभाव ये निरंतर वर्तमान है। ये तिकाड़ी वर्तमान सर्वज्ञ स्वभाव ये अपेक्षा से पर्याय जितने हैं मोक्ष का मार्ग के लिए उसका आश्रय करने से तो विकल्प उत्पन्न होता है। जिसने परद्रव्य में से अपनी पर्याय नहीं आती, ऐसे पर्याय में से पर्याय नहीं आती, वो कारण है पर्याय को परद्रव्य कहा है। सेठ तो कोई यहां भी उन्हें ऐसी बात है, क्या पैसा दे क्या भूल मां प्रेम इतना आया छोड़कर मार्ग बोगे प्रभु। देवगुरु शास्त्र में हम कहते हैं कि हम आदमी तेरे नहीं हो, सर्वज्ञा एम कहते हैं कि हम तुम्हें तेरे आदरणीय नहीं हो। ये तो कहा मोक्ष पाओ नहीं छोड़ने जाता ना, पर दवा हो डू गई है। संत आचार कुंडार आचार कहते हैं प्रभु तेरी प्रभुता की आ जाओ, तेरा स्वद्रव के आ जाओ, हम स्वद्रव है अने हमारा ऊपर लक्ष करेगा तो तेरे दुर्गति होगी। पर दबाव डू गई सो दबाव सु गई, ऐसा पाठ है सोने का था मोक्ष पाओ। भगवान मार्ग बहुत सूक्ष्म है, बेचारे से ऐसी गड़बड़ हो गई है कि मैं उसकी मुश्किली से बात क्या इतना भाग्यशाली लोगों का में पड़ते हैं। आप अंतर की चेतन सर्वज्ञ परमात्मा का घर की बात है। कहते हैं कि हम सर्वज्ञ देव और हमारा संत मोक्ष मार्ग का साधक और हमारा शास्त्र ये तीनों परद्रव है, ये तो परद्रव है पर हमको मानना परद्रव को मानना वो राग ही परद्रव है, ये तो परद्रव है पर राग से भिन्न होकर अपना द्रव्य स्वभाव की दृष्टि ज्ञान अनुभव किया ये अनुभव की पर्याय भी परद्रव है। हम बैठो नजरे हम जाए
नजर पड़े क्या? हुकुम संजीन ज्ञान संजीन का प्रभावना में बहुत बड़ा हाथ है ना बाबू भाई तीजा हमारे गुजरात में बाबू भाई हिंदी में से वो दो महाराज प्रभु यहाँ तो देव गुरु ने शास्त्र एम कहते हैं कि हम तो तेरा द्रव्य से प्रद्रव्य तो है ही अने हमारा ऊपर रक्ष करेगा तो तुम प्रद्रव्य है तो तेरे विकर्म होगा प्रभु वो तो होगा पर तेरा स्वद्रव्य के आश्रय से जो कहीं संजन दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हुआ प्रभु इसको भी हम तो प्रद्रव्य कहते हैं जी बात आती है भगवान भाग थोड़े तो हमें खाने पड़े इस बात में भूखों ने एकांत लगते हैं एकांत है एकांत प्रभु सुनक एकांत ही है आए तो कहा कि संवर निद्रा ये चारित्र सम्यक दर्शन अनुभव सहित आत्मा अतिन्द्रिय आनंद का पूर्ण प्रवाह जैन पानी का प्रवाह चलते है ये तीखा चलते है आप पूर है हम ध्रुव चलते ध्रुव भगवान आत्मा अतिन्द्रिय आनंद का पूर्व ये पूरा प्रवाह ध्रुव तरीके है जिन्हें शास्त्र में वर्तमान निरंतर वर्तमान कहा है टिकाल रहने वाला ये अपेक्षा छोड़ दिया टिकाल टिकाल में भी टिकाल का भेद हो गया शास्त्र में पाठ है निरंतर वर्तमान है जैसी वर्तमान पर्याय समृद्रा है तो उसको हम परद्रव्य कहते हैं ऐसे उससे भिन्न द्रव्य भी वर्तमान है पूर्णानंद का नाथ वितराग मूर्ति अथवा अखम ऐसी पूर्ण चीज एक चीज की अपेक्षा से उसका आश्रय से संज्ञक दर्शन अनुभव हुआ अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया इस स्वाद का भाग में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आ जाता है संज्ञक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ज्ञान तीनों को मोक्ष मार्ग तत्वार सूत्र में कहा तत्वार सूत्र में उमा स्वामी संज्ञक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का पर्याय से कहा है समझ में आया ज्ञान प्रधान कथन से वो सारा तत्वार सूत्र है भगवान क्यों कि उसने मति सुख की बात किया है तो मति सुख परोक्ष ऐसा कहा है अने मति है इंद्रिय और मन से उत्पन्न होता है ऐसा कहा तो ये बड़े व्यवहार है मति ज्ञान जो है एक तिकारी चैतन्य भगवान के अवलंबन से होता है मति ज्ञान है ये त्या परोक्ष कहकर पर की अपेक्षा कहा है ये प्रश्न धनावस्थ में दायु मूर् भी महातनु दफ्तरी मगन है दफ्तरी मोटो विश्वास के वाता था ना गवर्नर आया था जरे मोरबी गवर्नर जरे ने भाषण किया है ये कौन सुन गवर्नर आया था फिर मैं कहना है तो व्याख्यान भाषण दिया मगन भाई के लिए दफ्तरी था तो उसने गवर्नर ऐसा बखान किया क्या तो तीसरे विटू रतन तुम्हारा गांव में है इसकी सत्य चर्चा हुई लगभग बासी की साल के होगी तो वो कहा तो परोक्ष शास्त्र में तो लिखा है मति सुख को
भाई इस शोक है कि करके अपेक्षा से लिखा है, बाकी मटी ने सुर ज्ञान अपना अपने से होता है तो प्रकट होता है। मग्न ये रस उनकी थी अनुभव जमा अनुभव तो प्रत्यक्ष है ऐसा यह श्लोक आता उदाहरण है नहीं खबर है। आए कहते हैं ये कभी सुना नहीं थी तुम्हारा घर में थी बा भगवान ना इतना इतना आग्रह छोड़कर यहाँ आया नहीं तो कुछ बड़ा शेठ है आज के नाम लड़का की लड़की उसके गिरे लड़का लड़का गिरे बापू ये बाहर में थी ये सब। हाँ हाँ बाहर ना प्रपंच की चीज में जिसको अधिकता भासती है और विशिष्टता कहीं लागती है ये चैतन्य स्वरूप भगवान का अनादर करते हैं। ये तो दूर रही बाहर की चीज, अंतर की चीज जो है संवरण निजरा ये त्रिकाड़ी आनंद मो नाद भूयत्म सिदो खड़ू समाय हवाई जीव ये त्रिकाड़ी आत्मा के अवलंबन से संलग्न दर्शन होता है ऐसा जो ग्यारहवीं गाथ ने कहा देवी नाम विचार क्या नई भी कहा है संलग्न दर्शन भी कहा है हमारे प्रश्न का ग्यारहवीं गाथा में भूतार्थ को नई भी कहा बीजू पद में व्यवहार अभूतार्थ है पर्याय मात्र अभूतार्थ है समृद्धा मुख भी पर्याय अभूतार्थ है। तो पक्षी किया दूसरा पद में व्यवहार अभूतार्थ है ये ग्रहण करिए अभूतार्थ कहा है पर्याय का अभाव करिए भूतार्थ नहीं कहता तो वेदांत हो जाता है समझ में आया। पर्याय को ग्रहण करके नहीं है ऐसा कहा अथवा पर्याय को असत कहा ये तो ग्रहण करके असत कहा है कहना तत्व है पर्याय लक्ष्य से सात तत्व है अस्थि है जारी कहा जीवादि सात तत्वों का समूह परद्रव होने के कारण तो अस्तित्व तो सिद्ध किया समझ में आया। ये वास्तव में भगवान कुमकुंडाचार्य तो ऐसा कहा जीवादि भई तत्व नियम पास में ऐसा दिया है तो अर्थकार में टीका कहा पन्नी देव उपाधि नहीं है ऐसा कहा मिट्टी भर तो उनने पाप का भाव तो बंद में प्रदूषित न दुख है ये तो है कौन अंदर संवर ने निद्रा ने मोक्ष पर्याय प्रकट हुई एक समय में तीन काल तीन लोग जाने ऐसी पर्याय प्रकट हुई तो यहाँ साधक जीव को तो प्रकट है नहीं पर साधक को ही पर्याय के करोड़ ज्ञान है कि सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है निश्चय नहीं का विषय नहीं क्योंकि केवल ज्ञान है ये टिकाई द्रव्य का भेद एक अंश है तो एक अंश है पर उसमें है तो सद्भूत व्यवहार निश्चय कहने में आता है। केवल ज्ञान व्यवहार है सद्भूत व्यवहार निश्चय है। पुनने पाप भाव असद्भूत व्यवहार निश्चय है आए तो दो ही को दो ही सद्भूत व्यवहार में असद व्यवहार दो ही को
परद्रव्य हेतु लेकर उपाधि नहीं पास में ही है जीवादि भई तथा है अमृत मिट्टी भाषा किया वो ये तथा उपाधि नहीं ये ऊपर आश्रय करने लायक नहीं भगवान अंदर विराजे न प्रभु गुणानंद का अनाथ यही उपाधि है उपाधि है जयचंद जी जय होने की बात है यहाँ पराजय होने की बात संसार में है बापू भगवान एक समय का केवल ज्ञान अरे एक समय का अनंत चतुष्ट केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य अनंत सत्ता ऐसी अनंत चतुष्ट कहने में आता है साथ में अनंत गुण की पूर्ण सब पर्याय जितना गुण है इतनी पूर्ण पर्याय संपूर्ण है और आत्मा में भी जब श्रद्धा आत्मा तब डूबती है तो एक भी श्रद्धा ही डूबती ऐसी नहीं ये तो श्रद्धा से कथन किया है ताकि जितने पर्याय है सब हम डूबती है अंदर अच्छा तो ऐसे आया यार मैं भूय थम वसी दो खबू समाही चीज हो गई एक भी समिति उगता ऐसा नहीं क्योंकि सब पर्याय जितने हैं सब दुतार के आकरा दिया वो कारण से त्याग पर्याय में संयग संज्ञान चारित्र का अंश भी साथ में आया अरे आनंद गुण का एक अंश व्यक्त अनंत एक साथ में आया समझ में आया अनंत गुण जितनी संख्या में है ये सब गुण का शक्ति ने स्वभाव का सामर्थ्य रूप जो था ये पर्याय में व्यक्त रूप एक अंश बाहर आया ये रस चिट्ठी में है भाई रस में चिट्ठी में ज्ञान आदि एक देश पते गुण केवड़ी ने ज्ञान आदि सर्व देश श्रीमद ने उसका अर्थ ऐसा किया कि सर्व गुणा से संकेत संकेत इतने क्या कि जितना गुण है आत्मा में इस सबकी संख्या में से सब में से व्यक्त अनंत गुण का प्रकट होता है एक बार संकेत ही उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं तो हमारे दूसरा कहना है कि अनंत गुण का अंश जो प्रकट हुआ उसको अंदर परदेव कहा है समझ में आया तो ये होने के कारण वास्तव में खरेखर उपाधि नहीं अरे अनंत 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 की कोई संख्या नहीं अनंत 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 चले जाओ तो भी आखिर का अंत है गुण की संख्या नहीं ऐसा है नहीं आखिर का अंत तो नहीं तो ये अंत का आखिर का एक अंश एक भाग वो तो है ही नहीं उसमें इतना भगवान आनंद आनंद आदि स्वभाव से भरा पड़ा है एक एक अंश व्यक्त हुआ मोक्ष मार्ग में सब गुण का सब गुणों से संकित उसको यहाँ पर दल का नंद जी आ मारा जति जी जतीश जतीश रहते थे क्या किया जीवादि साव तत्वों समूह समूलिया ने एक पर्याय नहीं है सात है मानी समूह तथा ये समूह परद्रव्य होने के कारण उपाधि क्यों नहीं
हेतु क्या, उपाधि क्यों नहीं, कि पददेव होने के कारण आजुबाद क्या अरे आत्मा उपाधि ये लेना है तो इसमें लंबी बात है। स्वराज वैराग रूपी महल का शिक्षता शिखामन है, मुनि अपनी बात करते हैं, अपनी बात करके श्रोताओं को तत्व कैसा है वो बता दें। ऐसी स्थिति ऐसी है, हम ऐसा है कि कैसा स्वराज वैराग रूपी महल नो शिखर नो शिखामन, तो क्या किया सहज वैराग का अर्थ क्यों क्या कि स्त्री कुटुम छोड़ा, दुकान छोड़ी, धंधा छोड़ा, इसी वैराग है। ये वैराग की व्याख्या ही नहीं, वैराग की व्याख्या तो ये है कि अस्ति अपना पूर्ण स्वभाव भगवान, उसकी श्रद्धा ने ज्ञान की साथ पुण्य पाप का विकल्प से विरक्त पना, ये वैराग है। दया दान भगवान एम कहे कि हमारी भक्ति का परिणाम उससे विरक्त ही भाई रहा है। निजरा भी करना है ना, ज्ञान वैराग बेशक्ति ज्ञान अस्तित्व का सारा पूर्ण की प्रतीति ज्ञान और वैराग पुण्य पाप का विकल्प से रहित विरक्त रक्त धनादि से है उसे विरक्त व्यक्ति का ज्ञान राग से विरक्त ये वैराग। आई बात है, हजारों वाणी छोड़ी दी, करोड़ों में पैदा छोड़ी दी, माटी वैरागी है ऐसा नहीं। वैराग तो उसको कहते हैं सहज वैराग, सहज अपनी चीज जो है पूर्णानंद का नाथ, उसका जब उपाधि बुद्धि होकर जो निर्मो प्रतीति सम्यक दर्शन पूर्ण का अनुभव में प्रतीति हुई, उसकी साथ में शुभ शुभ राग से हटकर वैराग रक्त पड़ा था छोड़कर विरक्त होना, ये अस्ति ज्ञान नास्ति से वैराग। समझ में आया, यही बात है भाई, धर्म विकास का बहुत शिक्षण होते हुए भगवान का आग्रह किया ना प्रभु रही गया था, भगवान की वाणी है क्या रहेंगे, मार्ग रह गया दूसरा था। हमको तो क्या देना, हमारे तो वेव पड़ दिया मैंने, ये वाणी एम प्रभु की भगवान तेरे में अनंत 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 आकाश ना प्रदेश की अनंत गुण गुण, ये सब गुण का एक अंश व्यक्त प्रकट हो उसका नाम संजग दर्शन ज्ञान कहने में आता है। ये इसका इसको यहाँ परद्रव कहने में आया है। परद्रव क्यों कहा कि जो परद्रव में से अपनी शुद्धि की पर्याय आती नहीं, ऐसे पर्याय के आश्रय से शुद्धि की पर्याय आती नहीं। समझ में आया, भाषा तो सादी है प्रभु, मार्ग तो है ऐसा। अरे रे ये मार्ग के समझे बिना 84 लाख जीवनी एक एक अनंत होता। हा 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 क्या मुनि कोट वाला
हरिराज मणि भगवान की स्तुति करते करते स्तुति किया है विश्व अपार। ये स्तुति में ऐसा है विश्व अपार स्तुति ऐसे एक शब्द दिया कि मैं गया काल का दुख याद करता हूँ तो आयुध का काल लागते ऐसा लगते मुनि कहते हैं मैं भूतकाल का दुख का याद करता हूँ निवृत्त का नरक का तो आयुध कहना आयुध का घा वागे शस्त्र का ऐसे घा वागते दुख के तो कैम से लिखाना जेना अंतर्मूर्त ना दुख मारकी ना क्रूरू भोये ने क्रूर जीभे न कही सके तारे प्रभु का गुण अनंत मुख ने अनंत एक एक मुख में अनंत जीव से भी कही सके नहीं। इतना गुण की संख्या मार दुराए तुम कहना दूसरा है इसका एक अंश प्रकट हुआ संयोग दर्शन में सब गुण का अंश प्रकट हुआ है तथा तथा क्या क्या कथा ऐसा होने पर भी उसको फिर ग्रह का क्योंकि उसके पर्याय हुई उसमें से शुद्धि की नई पर्याय नहीं उसकी संवर है शुद्धि है निर्दय शुद्धि की वृद्धि है मोक्ष शुद्धि की पूर्णता है तो कहते हैं शुद्धि पर्याय प्रकट हुई उसमें क्या से शुद्धि नहीं उत्पन्न होती तो शुद्धि वृत्ति उत्पन्न हो तो त्रिका द्रव्य के आश्रय से उत्पन्न होती है वो कारण से जैन परद्रव्य में से पर्याय अपने नहीं आती ऐसी अपने निर्मल पर्याय में से भी नवी निर्मल पर्याय शुद्ध नहीं आती वो कारण से उसको हम परद्रव्य कहते हैं। समझ में आया रो की बात है वो आ कहते हैं मुनि न मेरे आत्मा उपाधि है एम कहकर जगत को सुनाते हैं। समझ में आया जगत को सुना मेरे आत्मा है मेरे उपाधि में है कैसे मैं हूं कि सहज भैया का महल मोटा महल उसका शिखर एनो शिखा मणि शिखर के ऊपर का रत्न चूड़ामणि कलगी का रत्न एनो शिखा मणि मैं ऐसा हूँ वैराग्य के परद्रव्य से जो परांगमुख हूँ पर्याय आदि परद्रव्य है उससे हूँ परांगमुख हूँ हम अपना दृष्टांत देकर श्रोता को सत्य की जाहिरात करते हैं। समझ में आया एक लिए बात नहीं है कि बात में इतना जानना है वस्तु तत्व जाना है हम क्या हाँ समझ में आया तो कहते हैं परद्रव्य है जो परांगमुख हूँ है पांच इंद्रियों के विस्तार रहित दे मात्र मुनि है मुनि तो पांच इंद्रियों का लक्ष्य छूट गया सब अनिंद्रिय भगवान आत्मा का आश्रय हो गया है। समझ में आया पांच इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिसे परिग्रह है मुनि को तो एक देह मात्र रहता है वस्त्र पात्र तो है ही नहीं। सितंबर में तो बहुत लिया है वस्त्र ने पात्र ने इतना दस दस रजो ने दस दस गुच्छा ने दीक्षा माटी जैन मरण ले लेना और एक अपना रखना नवाचार को देना और ये पात्र को इतना रंगना रंग रंग ये पौतेर की बात है पौतेर में हमारे पात्र रंगते थे गुरु तो दो दो तीन तीन कला रंगा मतलब रोज तो पात्र रंगते थे हम स्वादे करते थे पौतेर की बात है संवत पौतेर तो
मेरा जानी बैग बोट नहीं तो फिर मैं मारे मारा क्या पात्र ने लंबे खुला के निशा रहना क्या है गुरु वैसा बोले बद्री थे तो पात्र भी ना साधु बदल गए समझना है पात्र है ना साधु रखते हाथ है पात्र है ना कहते पात्र है उन्हें रंग करते हैं तो रहते हैं उसको भोजन उस टाइम तो रंग करते थे तो मेरा से उसे कहा कि मारा क्या करते हैं ये भी मेरी दीक्षा चार वर्ष की पहुंचेर की बात है हाँ उपाधि क्या तुम्हारा गुरु ऐसा कहा कि रंग बिना का पात्र बिना का साधु सूर्यास पात्र बिना का साधु होता है पात्र को रंग ये सूदी भी था पौतेर की बात है कितना वर्ष हुआ पौतेर बासठ साठ और दो हमारे पंडित तो जन्म भी नहीं था से पात्र भी ना साधु होता है बुद्धि सोची ला ना तो सोच लिया क्या सुनकुल्ला सर पात्र भी नहीं मुनि है कि पात्र और रस रखे मुनि नहीं तो एक ना पात्र और रस छोड़ दे तो भी मुनि नहीं अंदर में दया नाम मावर का परिणाम को अपना मानते हैं आदरणीय है। तो मिथ्या दृष्टि है यहाँ तो संवर जरा भी आदरणीय मानना नहीं उत्पन्न हुआ है तो मैं तो उससे विरुद्ध स्वधर्मा शिक्षण बुद्धि से मैं पढ़ा हूं ये दृष्ट है परांगमुख लिखा ना पर दृष्ट है जो परांगमुख है पांच इंद्रियों के विस्तार रहे देह मात्र परिग्रह मुनि को तो देह मात्र परिग्रह एक शरीर ये छूटे जाए नहीं जो परम जिने योगेश्वर परम जिन योगेश्वर है मैं तो के परम जिन योगेश्वर हूं है बड़े मुझे अनुसार परम जिन योगेश्वर उत्कार था कि सम्यक दर्शन में योग नाम अपना पर्याय को जोड़ा देना आत्मा में तो है पर जगिनपना है अपनी पर्याय निर्मल को द्रव के साथ जोड़ना लीन होना योग है ये योग है तो आ तो कह के हम तो परम जिन योगेश्वर परम जिन योगेश्वर हमारा आनंद में हम बहुत जोड़ दिया हमारी पर्याय को चिकाड़ी में जो पदभ्रम कहने में आता है समझ लो महिमा नहीं आती महिमा है तो फिर वस्तु है नहीं है जगत नाम में तो जानने में बराबर आना चाहिए आदरणी में ये नहीं है नाम में तो है ऐसा न जाने तो वस्तु की दृष्टि जटनी जरूरी है यहाँ कहते हैं परम जिन योगेश्वर है स्वद्र में जिसको तीक्ष्ण बुद्धि है देखो संकीर्ति ने मुनि कैसा होता है कि स्वद्र में मुनि की बात है ना कि जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है संयम दृष्टि की स्वद्र में बुद्धि है पर जितनी मुनि की है तीक्ष्ण ऐसी बुद्धि है नहीं अंदर आनंद नाथ मातीक्षण बुद्धि अंदर अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया उसमें रमणता करते हैं ये अतीन्द्रिय आनंद में रमण करता है वो चारित्र है चारित्र को मग्न प्रणाम पंचमार्ग प्रणाम वो चारित्र फायित्र है नहीं
दिगंबर सेठ है दिगंबरा अंदर में आत्मा जैसे एक हमारी सोद्र में देखो परदेव से परांगमुख परदेव क्या और साथ के जाकर सातत्व उससे परांगमुख गजब बात है टीका करना रे पर गजब किया है पद्म मधार देव मुनि नग्न मुनि दिगंबर उसने टीका है कुमकुंडाचार अमृत नर दिन पद्म बीच में कुमकुंडाचार है ये बाजू अमृत नाचार आ बाजू पद्म टीका देखने इसकी अपील कहते हैं कि हम मुनि परद्रव से परामुख सहज वैराग्यना रतन चूड़ामणि राग का विकल्प मात्र से मेरा तो वैराग है जीवदाल से तीर्थों का रूप तो बंद है ये भाव भी राग है तो राग से भी मैं तो विरक्त हूं समझ में आया भगवान बात जरी जीनी है तो बात आवश्यक है समझ में आ रहा कठिन पड़े अभी ये अभ्यास नहीं और ये जात की उपदेश पद्धति नहीं उपदेश पद्धति सब फिर गई बस व्रत करो परिमा ले लो आ ले लो आ ले लो आ ले लो तो ये तो राग की क्रिया करना है तो मरना है भाई ज्ञान भाई दृढ़ दृष्टि प्रकाश पंडित जी वो दृढ़ दृष्टि प्रकाश है ना ज्ञान भाई का उसने लिखा है कि राग आदि करना है तो मरना है दयादान मावरदादी का प्रणाम मैं करता हूं करूं पिता स्वभाव का मरण है भगवान ज्ञाता दृष्टा है राग का करे कहां से करे विकार नहीं कोई ऐसा नियम नहीं कि विकार करे तो पर्याय में विकार होता है आहा ये मेरा कार्य नहीं आहा अने मेरा कार्य माने ये मीठा दृष्टि है ये जैन नहीं समझ में आया स्वद्र में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है ऐसे आत्मा को ऐसे आत्मा को हम क्या ना कौन स्वद्र से परांगमुख स्वद्र में तीक्ष्ण बुद्धि है सहज व्यवहार का शिखामणि है ऐसे आत्मा को आत्मावास में उपाधि है ऐसे आत्मा को वास्तव में आत्मा उपाधि है दिनकर जी शास्त्र महापुरुष भगवान त्रिलोकनाथ इसका सम्यक दर्शन क्या है सम्यक दर्शन का विषय क्या है सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय भी नहीं सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय भी उसका विषय नहीं कहा परदर्श प्रदर्श हुआ ना सम्यक दर्शन परदर्श है टीकाली ब्रद की अपेक्षा एक समय की पर्याय एकावे को त्रिकाली ध्रुव महाप्रभु अनंत गुण का सागर अनंत गुण से लह बहा भरा आनंद का मार आवद्र से जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है अंदर और परद्र से परामुख है ऐसे आत्मा को अज्ञानी को तो खबर नहीं है टेम कहते कहा ऐसा आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि वास्तव में जो
और उसमें भी लिया था करण कि पुरद्रव होने के कारण वास्तव में उपाधि नहीं एम कह रहा था हैं हैं है? वास्तव में उपाधि नहीं संगी वास्तव में ऐसे आत्मा को आत्मा उपाधि है त्रिलोकनाथ ने प्रवचन ध्वनि में दीव धनी आए हैं बापू करुणे ने समझना अपना आग्रह छोड़कर ये मान रखा है पक्ष ने छोड़कर समझना ये अनुकूल बात है ये अनंत अनंत काल में मुनिव्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो और आत्मज्ञान भी नेक सुख न पाए तो पंच महावर के दुख है हम कहा 28 मूल में पंच महावर तो दुख है अने संबंध में जरा सुख है तो भी उसको परम पर कहकर परंग हूं एम कहते हैं दुख है तो परंग अपने पर्याय में आनंद का संबंध जरा की दशा उत्पन्न हुई है पर वो भी पदद्रव है तो मेरा लक्ष्य से पार मुख है स्वद्रव त्रिकाली मारो नाथ प्रभु बिराजे थे मेरी दृष्टिता है तो पटेल हम तुम्हारे यहाँ क्या थे जमीन में पतिया में क्रोध पतिया रात को रणबीर रणबीर समझो बड़ा दोस्त करोड़पति पैंतीस लाख का थिएटर है इसमें करते पंगा तो नहीं लेंगे ये तो जमीन में नहीं बाहर में बात होता है पैसा नहीं तो बात पर दर रही हो को तो ये तो अपनी पर्याय है ही नहीं अने दयादान व्रत का परिणाम ये अपनी पर्याय है नहीं पर संवर निजरा आदि की मोक्ष की पर्याय तो अपनी है उसके भी परम गुनाट खाई जाके गुनाट गुनाट खाई जाए आम दृष्टि पर्याय पर है दृष्टि द्रव पर अभी बात हमें तो प्रेम से आया है बात अपना घर बार छोड़कर आया है सुनने को आया है तो बात तो ऐसी है प्रभु आत्मा ऐसे आत्मा को आत्मा वास्तव में उपाधि है सम्यक दृष्टि को आप मुनि है तो मुनि समझ क्या है तुम सम्यक दृष्टि को ऐसा आत्मा को परद्रव से परानुग्रह स्वद्र टिका ये उपाधि ऐसा आत्मा को ये उपाधि है सम्यक दृष्टि को चौथे गुण काम ड्यूटी में भी ऐसा है नरक में भी ऐसा है साथ में नरक में समकित है साथ में नरक में जाते हैं तो मिथ्यात है क्या किया साथ में नरक में जाते हैं तो मिथ्यात है तुम बीच में समकित होता है ऐसा निकोपित अब मिथ्यात है साथ में नरक बहुत पाप मतलब ये पीछे संचित होता है उनसे निकलते हैं मिठा हो जाता है इतनी पीड़ा इतना प्रतीक संयोग स्वतः अंदर में भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ उपाधि है समझ में आया सुंदर दृष्टि को तो ऐसा पूर्णानंद प्रभु है ये आत्म उपाधि है
અહીં તો હજી દયા પાડો, વ્રત કરો, તપસા કરો, ઉપાધિ એના આદરણીય કરતે કરતે નીચે હો જાય ગયા. લક્ષ્મણ ખાતે ખાતે કસુર કા ડકારા જાય ગયા. અરે ભગવાન, તેરી ચીજ કી તેરે ખબર ની વાત, તેરી ચીજ કી તો વાત ને જરા કી વાણી, એક એક ગુણ એક સમય ને કહે તો અનંત કાળ ની કહે શકે નહીં. આ હા હા, ક્યાં ક્યાં કેવડી એક ગુણ કે એક સમય, ઓર સાદી અનંત કાળ હૈ તો ભી ઉસકા ગુણ અનંત સમય મેં કહે શકે નહીં. ઇતના ગુણ હૈ સાદી અનંત કાળ, કેવો જ્ઞાન હોવા નથી કે અનંત કાળ રહેલા, તો એક સમય મેં એક ગુણ કહે, દુસરે મેં દુસરા કહે, સાદી અનંત કહે તો અનંત ગુણ કહે શકે નહીં. ઇતના ગુણ કા ભંડાર પ્રભુ તું હે, મહારતન હૈ ચૈતન્ય રત્નાકર હૈ, ચૈતન્ય રતન કા દરિયા સાગર ભરા હૈ. પંડિતજી તો ખાતા નો સાગર કે તમારો સાગર નહીં આ શકતો. પ્રભુ એમ કે અહીંયા એસે આત્મા તો ઉપાડી હૈ અને મેરી થોડી બહુ ધીમ વાત હૈ. ઉદેક આદિ ચાર ભાવાંતરો કે અગોચર હોને છે. ક્યાં કહેતે હૈ કે જો દયાદાન વિકર્મ જો ઉઠતે હૈ ઉદય ભાવે, ઉસે આત્મા જાનને મેં નહીં આતા, અગોચર હૈ ઉસે અગોચર. એક વાર ઉત્તમ ભાવ, ઉત્તમ ભાવ કે આશ્રય સે જાનને મેં નહીં આતા, ઉત્તમ ભાવ સે જાનને મેં આતા હૈ, તો ઉત્તમ ભાવ કે આશ્રય સે જાનને મેં નહીં આતા. અહીં તો ચાર ભાવ સે અગોચર એમ કહેતે હૈ, ઉદય ભાવ, ઉપસમ ભાવ, ઉપસમ ભાવ ને ક્ષાયક ભાવ. ક્ષાયક ભાવ સે ભી અગોચર હૈ. અગોચર કા અર્થ આદિ ચાર ભાવાંતરો, ભાવાંતરો નામ અપના સ્વરૂપ જે ભાવ હૈ, પરમ પરિણામી વિનાયક ભાવ હૈ, ઉસમે ભાવાંતર એ ભાવ સે અનેરા ભાવ ચાર. હા 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 હા, ભાવાંતર ક્યાં ક્યાં ભાવાંતર કા હૈ કે અપના જે સ્વભાવ ભાવ હૈ ટિકાવ, ઉસમે અન્ય ભાવ અન્ન દૂસરા હૈ, તો ઉસકો યહાં ચાર ભાવાંતર, ભાવ અપના ભાવ સે અનેરા ભાવ કહા. ચાર ક્ષાયક ભાવ, ક્ષાયક સમકિત હો તો થે ગુણ પર, તો ભી યહાં તો કહેતે હૈં કે એ ક્ષાયક સમકિત કે આશ્રય સે અગ્ન હૈ, તો ક્ષાયક સમકિત ક્ષાયક ભાવ સે અગ્ન હૈ ઉસે કહેને કા આ, ક્ષાયક ભાવ સે અગ્ન હૈ ઉસકા અર્થ કહેને કા આ, કે ક્ષાયક ભાવ કે આશ્રય સે અગ્ન નહીં. સમજ ને આવી વાત મળે તો હવે કુમારજી અભય કી બાત હૈ, આપણા અભય કહે કેતે હૈ કે ચાર ભાવ સે અગોચર હૈ. એક બાજુ એમ કહે કે સંદર્ભ દૃષ્ટિકો ગોચર હૈ ગમે હૈ સંદન દ્રષ્ટિ કો ભિન્ન હૈ, ક્યાં આત્મા કેસા હૈ. અહીં કહેતે કે સંદન દ્રષ્ટિ કી પર્યાય જો હૈ એ તો સૂક્ષ્મ ક્ષાયક આદિ હૈ, ઉસે અગોચર હૈ, એટલે કે ઉસકે આશ્રય સે ગમ નહીં. આશ્રય તો પરમ સ્વભાવ કા આશ્રય કરને સે ગમ હૈ. હા યાર, એ વાત મારી આવો ઉપદેશ મેં કે નહીં આ કાયમ આપું છે. સામત પર્યાય કા સામત નહીં
रियाई का बच्चा मैं खुद विक्र बुझा है ये अपेक्षा से है चार भाव से अर्जुन है नहीं तो जिन तो संभावना सूक्ष्म भाव से जिन है संजय दर्शन से तो जिन है तो संजय दर्शन सूक्ष्म सूक्ष्म छाएक है जिसका तो जिन है पर हाई कहने का आशय कि उत्तम सूक्ष्म छाएक के आश्रय से जिन नहीं इतने चार भाव से अगोचर है उनका निभाया समझ में आया पुस्तक है कि नहीं उदय आदि चार भावांतरों नीचे निकल भावांतर अन्य भाव भावांतर है ना अन्य भाव इतने अपना परिणामिक टिकाड़ी स्वभाव विनायक उसके चार अन्य भाव है चारे भाव अन्य है यानी सात तत्व को पद्रव कहा तो आप चार भाव भी पद्रव है नीचे से सात तत्व में आ जाएगा भावांतर भाव अन्य भाव अपना पिकाड़ी न्यायिक भाव प्रभु उससे चार अन्य भाव है कि भावांतर की व्याख्या उन्हें उष्णिक सूक्ष्मिक और तिखाई चार भाव परम परिणामिक भाव से अन्य होने के कारण परम परिणामिक विनायक भाव जो है उससे चार भाव अन्य है द्रव स्वभाव जो सच्चिदानंद प्रभु है ये भाव से अक्षाय भाव भी अन्य है परमात्मा ने आवाज है लोगों ने एकांत लागे लोगों ने समुद्र का एकांत प्रभु कई चीज की तेरे खबर में प्रभु एकांत है व्यवहार से ना पालते की जब होता नहीं सिद्धांत देख है व्यवहार साधक है नीचे साधे ये तो व्यवहार का ज्ञान कराया प्रभु साधक तो अपने राग से भिन्न होकर अनुभव हुआ वो साधक तो उसमें राग बाकी है उसको उपचार से साधक कहकर कथन किया है जैसा आचन टीका में बहुत आते हैं जैसा आचन टीका है सुने सामने व्यवहार साधन नीचे साधन टीका में बहुत आते हैं ये तो निमित्त वो मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिया है नीचे आभास नीचे व्यवहार दो भाष में व्यवहार क्यों कहा कि ज्ञान कराने को व्यवहार है तो ये उसका ज्ञान कराने को जानना तो है कि नहीं भले राग हो पर जानना तो है कि नहीं क्या ज्ञान है उससे भिन्न चीज है ऐसा ज्ञान तो करना है कि नहीं श्रद्धा का आश्रय नहीं भले ऐसे चार भावांतरों के अगोचर इसलिए कि चार भाव से नीचे लिखे ना उन्हें भावांतर कहा परंपरा भाव जिसका हुआ ऐसा कारण परमात्मा इन चार भावांतरों का अगोचर है कारण प्रभु संजग दर्शन का कारण भगवान ये चार भाव के आश्रय से अग्न है चार भाव से अग्न है नहीं ये शब्द लेना का अर्थ आ है चार भाव के आश्रय से अग्न है ये तो तिकाड़ी स्वभाव का आश्रय करने से अग्न है समझ में आया अभी बात है कारण परमात्मा त्रिकाली आत्मा को कारण परमात्मा कहा कारण परमात्मा क्योंकि उसका आश्रय से कार्य होता है समझ में आया वो भी प्रश्न हुआ था वो विजी भाई नाम देख रहे थे त्रिभुवन भाई राजकोट महाराज ने कारण परमात्मा कहता हो तो कारण का तो कह आना ही चाहिए इन प्रश्न हुआ था
कारण परमात्मा कहो आत्मा कौन, तुम कार्य तो आता नहीं तो कारण परमात्मा कैसे, तुम प्रभु कारण परमात्मा है, ये जिसकी प्रतीति में आया उसको कारण परमात्मा है, प्रतीति में ना आया उसको कारण परमात्मा है क्या, वो तो परी है नाराज है। प्रतीति में आया भगवान ऐसा है उसको कारण परमात्मा, तो कारण परमात्मा प्रतीति के आया तो उसको सम्यक दर्शन का कार्य हुए बिना रहे ही नहीं, समझ में आया। विचार बात है अगन है कैसा है विशेष कहेगा।